ये देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी कढ़ी है, ये देखिए चावल के साथ बहुत ही अच्छी लगती है, रोटी के साथ भी अच्छी लगती है। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं इसकी रेसिपी कैसे बनती है ये। फ्रेंड्स आज हम कढ़ी फुलौरी बना रहे हैं, इसके लिए सबसे पहले हमें फुलौरी बनानी है, तो हमने बेसन लिया थोड़ा। अब इसमें डालूंगी मैं प्याज, नमक स्वाद अनुसार, जीरा, अजवाइन डालेंगे, क्रश करके मैं अजवाइन डाल रही हूँ, ये हरी मिर्च डाल रही हूँ, और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे पकौड़े का बैटर बना लेंगे। सबसे पहले हमें पकौड़े फ्राई करना है, मैंने कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया गर्म होने के लिए, और ये देखिए इसे खोल लेंगे हम। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा तेल गर्म हो गया है, तो हम इसमें पकौड़े डाल के फ्राई कर लेंगे, तल लेंगे अच्छे से सारे पकौड़े प्याज के, बहुत ही अच्छे लगते हैं कढ़ी में, ऐसे ही बनाती हूँ मैं। सादे पकौड़े जो बनते हैं ना वो अच्छे नहीं लगते हैं, इस तरीके से बनाएं तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ज़्यादा टेस्टी लगती है कढ़ी, इसे कढ़ी पकौड़ा भी कहते हैं हमारे यहाँ, तो कढ़ी फुलौरी कहते हैं। ये देखिए मैंने सब डाल दिया इसमें, और अब हमें इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स हमारी एक तरफ से हो गई है, हम इसे पलट देते हैं, पलट के हमें दूसरी तरफ से भी इसे पका लेना है, ऐसे ही गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे तल लेंगे, फिर निकाल लेंगे, फिर कढ़ी बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स पकौड़ी हो गई है, हम गैस बंद कर देंगे, पकौड़ी निकाल लेंगे अपनी। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने पकौड़ी निकाल ली, अब मैं कढ़ी की तैयारी करूँगी। फ्रेंड्स कढ़ी बनाने के लिए पहले हमें घोल बनाना पड़ेगा, उसके लिए मैं बेसन ले रही हूँ, और मैंने इसमें दही ली है, और इसमें हम पानी डाल के इसका घोल बना लेंगे। पहले गाढ़ा बनाएंगे ताकि लम्स ना पड़ जाए, गांठे ना पड़ जाए मतलब, इसलिए हमें पहले गाढ़ा घोल बनाना है, फिर हम इसमें और पानी ऐड करेंगे अपनी ज़रूरत के हिसाब से। ये देखिए मैंने इसका बैटर बना लिया है अच्छा सा, हो गया ये, और अब हम इसमें और पानी ऐड कर देंगे। ये देखिए बस इतना पानी हमें इसमें ऐड करना है, और अब चलिए फटाफट से कढ़ी बनाते हैं। फ्रेंड्स मैंने बर्तन चढ़ा दिया है कढ़ी बनाने के लिए गैस ऑन करके, अब इसमें मैं तेल डाल देती हूँ, तेल गर्म हो जाने देंगे। फ्रेंड्स तेल हमारा गर्म हो गया, अब इसमें डालूँगी सरसों, मेथी, जीरा, हींग, फ्रेश कढ़ी पत्ते, और ये सूखी लाल मिर्च। ये सब भूनने के बाद जब ये तड़का हमारा हो जाएगा अच्छे से, अब इसमें हम डाल देंगे कढ़ी का घोल, फिर चला देंगे अच्छे से, मिला देंगे। और फ्रेंड्स अब हम इसमें डाल देंगे मसाले, जैसे कि हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर और नमक स्वाद के हिसाब से, और अब हम इसे चलाते हुए पकाएंगे। एक उबाल आने तक हमें इसमें इसे लगातार चलाना है, नहीं तो जो है वो बेसन नीचे बैठने लगता है, वो जल जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स हमारी कढ़ी अच्छी तरीके से खोल रही है, 5 मिनट तक हमें इसे हाई फ्लेम पे पकाना है, उसके बाद जब अच्छे से खोलने लगेगी तो हमें इसे मीडियम फ्लेम पे पकाना है 5 मिनट तक। फ्रेंड्स 5 मिनट और हो चुके हैं, और ये देखिए कढ़ी एकदम रेडी हो चुकी है। अब इसमें तड़का लगाएंगे ऊपर से, गैस कर देते हैं बंद। ये देखिए फ्रेंड्स हमें तड़का लगाना है, तो हमने इसमें तेल डाल दिया है, ये देखिए तेल गर्म होने देंगे। अब हम उसमें डाल देंगे जीरा, राई, कढ़ी पत्ता और हींग, अच्छे से हो जाने देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स बस राई चटक रही है हमारी। ये देखिए फ्रेंड्स अब हम गैस कर देंगे बंद, ये हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर, ये डाल देंगे, और ये हमारी कढ़ी है इसमें हम इसे डाल देंगे।
और ये हमने ऊपर से डाल दिए पकौड़े जो हमने फ्राई किए थे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी कढ़ी बनकर रेडी है। एंजॉय करिए चावल से या फिर रोटी से। वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।